प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 11 अध्याय पद नंबर 24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर वचन का प्रकाश दे, सुनने वालों के मन में वचन गहराई से पवित्र आत्मा स्थिर करे, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा सहायक सहायता करे, हर एक अंधकार के शैतानी बंधन टूटे यीशु के नाम में, आमीन। हम इस वचन का गहराई को समझेंगे कि जो छितरा देते हैं उनकी कैसे बढ़ती होती है। कई लोग ऐसे होते हैं उदार, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो बेबसी में हो, चाहे लाचारी में हो, यदि उनके पास चेंज पड़ी रहती है, बड़े नोट तो, लेकिन जो उनके पास थोड़ा होता है, छितरा, छितरा जो होता है चेंज होती है, सिक्का चिल्लर, तो वो चिल्लर जो है, सिक्का जो है, वो किसी दीनहीन को, किसी बुजुर्ग को, किसी बालक को, किसी बूढ़े को, किसी पागल को, किसी भिखारी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो तरस के लायक है, दया के लायक है, निर्धन होते हुए भी, कंगाल होते हुए भी, जो देने की भावना रखता है, वो उदार मन का व्यक्ति जो है, जैसे कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक कंगाल विधवा ने अपनी सारी जीविका दे दी, जो दिन भर की मजदूरी होती थी 2 सिक्के तांबे के उसने डाल दिए, उसकी परिस्थिति, दिन भर की रोटी कमाती थी, दिन भर की जीविका उसने डाल दी, सब कुछ डाल दिया। देखते हैं उसकी उदारता, हर परिस्थिति में देने की नियत, और परमेश्वर के प्रति जब भी वो भवन में आती, परमेश्वर को देकर जाती अपनी कमाई में से। सीधे मन की सोच, दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति ख्याल, दूसरे की खेती सींचने की भावना, इसके लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुने। एक वचन है नीति वचन 11:25, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट रहेगा, उसके शरीर से रोग और बीमारियां दूर रहेंगी, वो सदैव हष्ट पुष्ट और खुश रहेगा, और उसकी खेती को परमेश्वर कहता है कि उसकी खेती सींची जाएगी। ये भलाई के लक्षण उसके जीवन में परमेश्वर देता है जो उदार प्राणी होता है। इसलिए छितरा देने वाले की भी बढ़ती है, और छितरा देने वाले के भी काम चलते रहेंगे, उसके काम ना रुकेंगे, और परमेश्वर को जो देता है अपना भाग, अपनी कमाई का हिस्सा, चाहे वो थोड़ा कमाता है,
चाहे वो बहुत ही थोड़ा कमाता, यदि उसमें से परमेश्वर का दसवां हिस्सा निकालता है तो उसका भी उसे लाभ मिलता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के जो भेंट है उसको लूटा नहीं, परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के भवन में दिया। वो परमेश्वर को लूटने वालों में नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तेरे फल कच्चे ना गिरेंगे और स्वर्ग से अपरंपार आशीष दूंगा, स्वर्ग के झरोके खोलूंगा, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया नया दाख मधु मड़ता रहेगा। ये सब आशीषें छितरा देने वाले को मिलती है, उसके लाभ इसमें बताए गए हैं। अब हम देखते हैं यथार्थ से कम देने वाला। परमेश्वर का वचन नीति वचन 11 अध्याय उसका हम वचन नंबर 24 हमने पढ़ा था, पहले भी एक बार और पढ़ के सुना देता हूं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। अब हम देखें यथार्थ से कम देने वाले, यथार्थ से कम देने वाले, यथार्थ से कम देने वाले। प्रभु के वचन में एक जगह लिखा है, धनी होने पर भी उन्होंने अपने धन में से थोड़ा सा दिया, तो भी परमेश्वर ने उन धनी लोगों की सराहना ना की, वरन उस कंगाल विधवा की सराहना की जिसने अपनी सारी जीविका दो तांबे के सिक्के डाल दिए। यथार्थ से कम देने वाले धनवान, उनके मन में परमेश्वर के प्रति अनादर का भाव दिखाई देता है, वो उनके अंदर उदारता की कमी है, वो धन से प्रेम करने वाले दिखाई पड़ते हैं। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। दो स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकते, एक से अधिक प्रेम करोगे तो एक को तुच्छ जानोगे। यहां धनवान व्यक्ति अपने आप को जांच ले, उदारता की कमी। अब इसके हानि क्या क्या है? यदि वो दसवां अंश धनवान पूरा नहीं देता तो वचन क्या कहता है मलाकी 3 में? मलाकी 3 में 8 पद लिखा है, तो भी पूछते हो हमने तुझे किस बात में लूटा है? परमेश्वर कहता, दसवां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तो ये भारी श्राप धनवान व्यक्ति अपने ऊपर लेता है, इसके कारण उसके ऊपर श्राप आता है, उसके अंदर उदारता की कमी होती है, इसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अनेकों प्रकार की बीमारियां पकड़ लेती हैं। उदारता की कमी के कारण ऐसे व्यक्ति के रोजगार और कार्य के ऊपर आशीष नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के बालकों के ऊपर शैतान का अटैक होता रहता है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि वो उसने परमेश्वर को लूटा है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर शैतान का हमला होता रहता है, क्योंकि नाश करने वाले को घुड़कने वाला कौन खड़ा होगा? और श्राप आते हैं, उसकी खेती को कौन सींचेगा? जब वो दूसरों की खेती नहीं सींचेगा तो उसकी भी सींची नहीं जाएगी। बहुत से लोग धन से ही इतनी ज्यादा प्रीति रखते हैं, वो सोचते हैं वो हर समस्या का हल धन है, लेकिन कुछ आत्मिक क्षेत्र में वो बहुत हानि उठाते हैं, आत्मिक जीवन में हानि उठाते हैं और अधिक हानि उठाते हैं।
परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, एक व्यक्ति के बहुत सा खेतों में पैदावार हुई और उसने छोटी बटखरिया तोड़कर बड़ी बना ली और अपने प्राण से कहने लगा, हे मेरे प्राण आनंदित हो। और उसने कहा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ हो गया है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं है, हे मेरे प्राण तू आनंद कर। उसी रात सोने से पहले ही उसको परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, आकाश मंडल से उसकी आत्मा में एक आवाज आई कि हे मूर्ख, आज रात मैं तेरा प्राण लेने पर हूं। तो इस प्रकार कई बार जब प्राण के ऊपर संकट होता है तो धन काम नहीं आता। यदि परिवार में परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है तो धन नहीं आता। यदि हम दसवां अंश नहीं देते तो कहीं ना कहीं हमारे कामों में रुकावट आती और उन्नति रुकती है। तो हमें देखना है कि हमें उदार प्राणी बनना है। वचन में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। इसलिए छितरा देने वाला जो है, जो देता है वो बढ़ती होती है, उसकी आशीष होती है, क्योंकि वो कंगाल को देखकर छितरा भी देता है, उसकी बढ़ती होती है। नीति वचन 19 का 17 वचन में ऐसे लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है। अब बहुत से लोग कहते हैं, अरे इनकी तो आदत हो रही है कंगालों की। लेकिन एक व्यक्ति उन्हीं कंगालों के प्रति एक भावना रखता है कि भाई इनके अंदर हौसला नहीं है कमाने का, या इनका दिल टूटा हुआ, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये हताश लोग हैं, ये निराश हैं, ये कुचले हुए हैं। कुचले हुए को संभालना बड़ा भारी बात है, मुश्किल है। एक ये सोचता, कोई बात नहीं, मैं 2-4-5 रुपए दे दूंगा, इस बेचारे का गुजारा चल जाएगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सोचता है ये भिखारी है, रोज रोज आके खड़ा हो जाता है। कुछ लोग घर से ही चेंज लेकर चलते हैं कि रास्ते में कोई मिलेगा तो उसको देंगे। कुछ लोग धुतकारते हैं। लिखा है एक जगह, जो कंगाल से नजर चुराता है उस पर भी श्राप आता है। तो ये बाइबल के वचन है। इसलिए धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। एक बार एक व्यक्ति यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे चला आ, अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। वो अपने आप को अधिक धर्मी सोच के बैठा था और कहता था, जो आज्ञाएं आप कहते हो कि वो आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता आया हूं, मुझ में क्या कमी है। कई बार धनवान के अंदर अपनी भलाई के ऊपर अधिक भरोसा होता है, जो भलाई के काम वो करता है, लेकिन कई बार धनवान यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करता, यीशु को सामने देखते हुए भी उसके पीछे नहीं चलता। इस कारण वो उदास मन से वापस लौट गया और वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं आया। कारण यही है कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे, वहां कीड़ा नहीं होगा, वहां काई ना लगेगी, और तुम्हारे भले काम जो तुम अपने पैसे से सेवा करते हो दूसरों की, वो तुम्हारे भले काम तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन पैसा तुम्हारा यहीं रहेगा और एक दिन तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। उस समय संसार को जब छोड़ के जाओगे, लोग तुम्हारी क्या सराहना करेंगे, या लोग तुम्हारी क्या बड़ाई करेंगे, और परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाओगे।
तुम्हारे भले काम तुम्हारे साथ हो लेंगे। इसलिए उदारता दिखाना मत भूलो, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हमें परमेश्वर का जो भेंट है दसवां अंश वो भी देना है। वो यदि हम नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर को लूटते हैं और भारी श्राप आता है। इसलिए कोई भी चाहे वो ज्यादा धनवान ना हो, गरीब हो, चाहे कोई धनवान हो, यदि शैतान के प्रहार से अपनी फैमिली परिवार को बचाना है, नाश करने वाले से अपने परिवार को बचाना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो परमेश्वर का भाग निकालो और परमेश्वर के उस भाग को वहां उपयोग करो जहां बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा अनुसार, परमेश्वर के लोगों के बीच में जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर कहता है वो ईंट पत्थर के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, कहता है कि मैं तुम में निवास करूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। जो उसके नाम पर भरोसा रखने में अटल हैं और विश्वास करते और प्रभु की गवाही का जीवन जिनका है, ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहे और वचन सिखाने वालों को भी सहभागी करें। परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दे, उसमें हमारा कोई भी अपना घमंड नहीं होना चाहिए। वो परमेश्वर का है जो परमेश्वर को दो, परमेश्वर का भाग जब हम देते हैं तो परमेश्वर नाश करने वाले को घुड़कता है और हमें आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, कहीं भी हमारे अंदर कोई लालच है या रुपए पैसे के प्रति प्रेम है या हम यथार्थ से कम देते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण रोजगार नहीं है या परमेश्वर उन्नति नहीं है या जिस परिवार में शैतान का प्रहार होता है, हे परमेश्वर श्राप पड़े। परमेश्वर पिता ऐसे लोगों पर दया कर। परमेश्वर जिनके मन में परमेश्वर के प्रति रिस्पेक्ट की कमी है, उदारता की कमी है, ऐसे लोगों पर दया कर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर एक दिन तो धर्म से न्याय करेगा। कुछ ढका नहीं ना कुछ छिपा है, तेरे वचन में लिखा है, हे जवान जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी आंखों देखी चाल चल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर एक दिन तेरा न्याय करेगा प्रभु, उस न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े हो सके। प्रभु हमारे भले काम हमारे साथ चले जाएंगे, इसलिए परमेश्वर जो तू हमें देता है उसमें से हम परमेश्वर आपको देने पाए जो आपका भाग है, उसमें से हम परमेश्वर अन्य लोगों की मदद करने पाए जो परमेश्वर पिता कमजोर है, निर्बल है। यीशु मसीह जब आप पृथ्वी पर था तो आप भी दीनों के साथ निर्बलों के साथ संगति की, आपने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। वचन में लिखा है स्वार्थ भी एक पाप है, प्रभु यीशु हमें स्वार्थ से बचा, क्योंकि एक किसान भी जब पूरी फसल खेत में काटता है तो वो अगले साल के लिए उसी फसल में से बीज बोता है। यदि एक खेत में यदि 20 बोरा गेहूं निकलता है और वो 2 बोरा गेहूं अगली फसल के लिए ना निकाले तो वो अगली बार फसल कैसे बोएगा? यदि वो उस 2 बोरा को जो बीज के काम का है उसको भी बेच खाए तो वो अगली बार उसका खेत खाली पड़ा रहेगा और आशीष उसके ऊपर कैसे आएगी? इसलिए हमें ये वचन शिक्षा देता है कि छितरा देने वाले को भी लाभ होता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। इस वचन अनुसार प्रभु, चाहे कोई गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई कंगाल हो, लेकिन उसके मन की उदारता के अनुसार प्रभु तू से आशीष देता है।
हे परमेश्वर, हर एक हृदय और मन को जांचता है आप। परमेश्वर, आप प्रत्येक के मनों को जांच जो इस वीडियो को सुनते हैं, और हर एक की आत्मा की गहराई में परमेश्वर गहरा काम कर। परमेश्वर के प्रति प्रेम में उदार बना प्रभु, परमेश्वर की सेवा के प्रति उदार बना प्रभु, और परमेश्वर पिता पक्षपात रहित और बिना किसी कपट के परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आपके वचन में लिखा है, जब अंतिम समय न्याय का आएगा, भेड़ और बकरियों को तू अलग अलग करेगा, और जो जगत में भलाई के काम करते हैं उनको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, और जिन्होंने यह भलाई के काम ना किए वो नरक की आग में डाले जाएंगे। प्रभु, हम सब पर दया कर, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, अपना पवित्र भय हमारे दिल में दे। प्रभु, आपकी करुणा, आपकी सच्चाई हमारी रक्षा करे। प्रभु, जहां जहां हमने पाप किया, गलती की है पिता, प्रभु तेरे को लूटा है, उसके लिए हमें माफ कर दे प्रभु यीशु। जहां जहां परमेश्वर कोई भी लालच हमारे स्वभाव में आया, कहीं भी प्रभु हमने धन से प्रेम किया आपके प्रति परमेश्वर, कहीं भी हमारे अंदर परमेश्वर कहीं भी कोई ऐसी भावना आई जो हमारे परमेश्वर को हमने छोटा किया, प्रभु माफ करना। यीशु मसीह, आप तो मन भेदों को जानता है, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक के मन को सही करें आप यीशु मसीह के नाम में, और हर एक को छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक के अंदर उदारता को भरे जो वीडियो सुनते हैं, और इस गहरे भेद को जान ले ताकि उनके परिवार में बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि प्रभु रोजगार में उन्नति मिले, और परमेश्वर का भाग निकाले ताकि भारी श्राप से बचे रहे, सुरक्षा होती रहे, और प्रभु परमेश्वर उदारता बनी रहे और स्वास्थ्य बना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।